नमस्कार प्रणाम। एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल को यूकेडी कमांडो पर। इस समय मैं मौजूद हूँ गोलकुंडा किले के इतिहास को लेकर। भारत के दक्षिण में बना यह एक किला है, गढ़ है। गोलकुंडा कुतुब शाही साम्राज्य करीब 1518 और 1687 के मध्यकालीन सल्तनत की राजधानी थी। यह किला हैदराबाद के दक्षिण से 11 किलोमीटर दूर दूरी पर स्थित है, भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में। किला काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ का साम्राज्य इसलिए भी प्रसिद्ध था क्योंकि उन्होंने कई बेशकीमती चीज़ें देश को दी थी, जैसे कोहिनूर हीरा। और गोलकुंडा का निर्माण जो बताया जाता है वो मराठा साम्राज्य के समय हुआ था। इस शहर और किले का निर्माण ग्रेनाइट के पत्थर से हुआ है। 120 मीटर और 480 ऊंचाई पर बना है। विशाल चार दीवारियों से घिरा हुआ है। ककाटिया के प्रताप रुद्र ने उसकी मरम्मत करवाई थी, लेकिन बाद में किले पर मूसनूरी नायक ने किले को हासिल किया, ऐसा लिखा गया है। वारंगल में हराया था। इस दुर्ग का निर्माण बाद में वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आया और 1687 ईस्वी में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। 8 दरवाजे बताए जाते हैं और पत्थर के 3 मील लंबी मजबूत दीवार भी है। यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडर अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। मूसी नदी दक्षिण की तरफ बहती है और दुर्ग से आधा मील दूर है। काफी मकबरे भी यहाँ पे ग्रेनाइट के पत्थर से बने हुए हैं। 17वीं शताब्दी तक बताया जाता है कि हीरे का प्रसिद्ध बाजार भी रहा है। दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले हैं यहाँ से, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। इस वास्तुकला के बारीक विवरण और धुंधले होते उद्यान, जो एक समय हरे भरे लॉन और पानी के सुंदर फवारों से सज्जित थे, आपको उस समय की भव्यता में वापस ले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक मंदिर है देवी जी का, जो दो पत्थरों के बीच में बना हुआ है। तकरीबन 62 सालों तक कुतुब शाही सुल्तानों ने वहाँ राज किया और 1590 में कुतुब शाही सल्तनत ने अपनी राजधानी को हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया था। स्मारकों की सूची में आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर ने शामिल किया है। असल में गोलकुंडा में 4 अलग अलग किलों का समावेश है, जिसकी 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवारें हैं, 8 प्रवेश द्वार और 4 उठाऊ पुल हैं। उसके साथ ही गोलकुंडा में कई सारे शाही अपार्टमेंट हैं, हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिका, अस्तबल इत्यादि। इसके सबसे निचले भाग में एक फतेह दरवाजा भी है। इस दरवाजे के दक्षिण पूर्वी किनारे पर अनमोल लोहे के किले जड़ी हुई हैं। फतेह दरवाजे में आप ध्वनिक आभास का अनुभव भी कर सकते हैं। गोलकुंडा के मार्बल की मुख्य विशेषता है कि बाला निसार रंगमंच पर भी आप दर्शकों के तालियों की गूंज को सुन सकते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में आपातकालीन परिस्थितियों को बताने के लिए इन तालियों का उपयोग किया जाता था। पूरा गोलकुंडा कॉम्प्लेक्स अगर बताएं हम तो 11 किलोमीटर के विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है और देखने में सचमुच काफ़ी बहुत बड़ा दिखता है। और घूमते घूमते हम थक चुके थे। परिसर में हम प्राचीन भारतीय कला का भी समावेश देख सकते हैं। शिल्प कला, वस्तुकला, सुंदर दृश्य हैं। यहाँ बहुत से प्राचीन रंगमंच, प्रवेश द्वार, विशाल हॉल गोलकुंडा में मौजूद हैं। अभी हम आपको वही रंगमंच के पास लेके चलेंगे। अलग अलग किलों में बटा हुआ है गोलकुंडा। आज भी आपको 400 साल पुरानी शाही बाग दिखाई देगा। 400 साल पुरानी शाही बाग इसमें आज भी है।
जो हमने आपको पहले ही दिखा दी है। बाला हिसार गेट गोलकोंडा का मुख्य प्रवेश द्वार है जो पूर्व दिशा में बना हुआ है, जिस दरवाजे से हम अभी आए थे। किनारों पर बारीकी से कलाकारी की गई है। निचले ग्रेनाइट भाग पर एक विशेष प्रकार का ताला गड़ा हुआ है। मोर और शेर के आकार को हिंदू मुस्लिम की मिश्रित कलाकृति के आधार पर बनाया गया है, ऐसा दिखाया गया है। टोली मस्जिद कारवां में है जो गोलकुंडा किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण 1671 में मीर मूसा ने कराया था और ये कुछ ढांचे हैं जो उस समय के कमरे थे। बताते हैं कि जब आक्रमण हुआ तो काफ़ी ध्वस्त कर दिया गया था, इसकी हालत को आप देख सकते हैं। दिखावे के तौर पर मस्जिद में 5 वक्र हैं जिनमें हर एक वक्र को गोलाकार पदक में कमल बना हुआ है। बीच का वक्र सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सजाया हुआ है। अंदर से मस्जिद को 2 भागों में बांटा गया है। किले के प्रवेश द्वार के सामने ही बड़ी दीवार बनी हुई है और ये बताया जाता है कि ये जो आप देख सकते हैं ये ड्रेसिंग रूम था और सामने जो आपको दिख रहा है ये रानी का मेकअप रूम बताया जाता है, यानी कि श्रृंगार का। गोलकुंडा किला चमत्कारिक ध्वनिक सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। किले का सबसे ऊपरी भाग बाला हिसार है जो किले से कई किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही किले का वाटर सिस्टम रहमान आकर्षण का मुख्य केंद्र है। कहा जाता है कि दरबार हॉल और महल के बीच एक गुप्त मार्ग है। किले में कुतुब शाही राजाओं की कब्र भी है। यह कब्र इस्लामिक परंपराओं और कलाकृतियों के आधार पर बनी हुई है। 1 किलोमीटर दूर उत्तरी दिशा में स्थित है। किलो के बाहर तरह सुंदर और मनमोहक बाग बगीचे बने हुए हैं और ये वही श्रृंगार रूम है जहाँ पे रानी श्रृंगार किया करती थी। और ये अब हम पहुँच चुके हैं उस रंगमंच की दिशा में। सामने जो आपको दिख रहा है ये राजा का सेनकक्ष होता था और वहीं से सामने बैठकर इस रंगमंच पर जो नृत्य कलाएं होती थी उसका आनंद लेते थे। राजा के टाइम का स्टेज है ये। गोलकुंडा किले के अंदर और भी बहुत सारी इमारतें होगी। हब्सिक कामंस अंसारल्लाह खान तारामती मस्जिद रामदास बंदी खाना कैमल स्टेबल किलवट शमशान स्नान नगीना बाग रामत्सा कोठा दरबार हॉल अंबर खाना इत्यादि। दोस्तों कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं और यहाँ से वही चीज़ मुझे देखने को मिली। आप अगर दीवार पर कान लगाकर सुनेंगे तो दूसरे कमरे की आवाज़ साफ सुनी जा सकती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बस यहीं तक आप आज के लिए अपनी वीडियो समाप्त करता हूं और फिर से यही कहूंगा कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो हमारे देखते रहें ताकि हम आपके लिए एक से एक और अच्छी और रोचक और अनछुई चीज़ें आप तक पहुंचाते रहें। और इस चीज़ के लिए यही कहूँगा कि बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और ये वो चीज़ें हैं कुछ हथियार गोला बारूद जिस उस ज़माने के बताए जाते हैं। कुछ हथियार रखे हुए हैं और कुछ बंदूकें भी दिख रही हैं, कुछ गोला बारूद दिख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।